रियासत तेलंगाना में कोरोना और ओमिक्रॉन के इदाद व शुमार में लगातार इजाफे के बाद हुकुमरान जमात ने नाइट कर्फ्यू के अलावा दीगर तहदीदात आयद करने पर संजीदगी से गौर कर रही है। इतलात के मुताबिक महकमा सेहत के अलावा दूसरे आला अहदेदारों ने रियासत में कोरोना की ताज़ा सूरत हाल पर हुकूमत को एक रिपोर्ट पेश करते हुए कोरोना पर काबू पाने के लिए नाइट कर्फ्यू के अलावा दूसरे तहदीदात आयद करने की सिफारिश की है। इम्कान है कि संक्रांति त्यौहार के बाद नाइट कर्फ्यू और दीगर तहदीदात का ऐलान किया जाएगा। साथ ही रोजाना सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। हालिया दिनों में सूरत हाल मजीद संगीन होती है तो संक्रांति त्यौहार से पहले भी तहदीदात आयद की जा सकती है। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर हालात पर नजर रखे हुए हैं और बहुत जल्द आला अहदेदारों का इजलास तलब करते हुए तहदीदात का फैसला करेंगे। वाज़ह है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान तेलंगाना में कोरोना केसेस की तादाद में 2000 तक इजाफा हो गया और ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना के केसों की तादाद 1500 तक पहुंच गई है।